नमस्कार, स्वागत है आपका satyahindi.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम संवाद के साथ, जहां पर मैं इंटरव्यू करती हूं बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। अभी आपने देखा होगा कि हाल में हमें ये पता चला कि नीति आयोग ने एक ऐसा प्रपोजल सर्कुलेट किया है जिसमें ये कहा गया है कि फूड सब्सिडी को कट डाउन किया जाएगा, जिससे कि सरकार के पैसे बचे। अब सरकार के पैसे बचेंगे फूड सब्सिडी को काटने के लिए, इसके क्या मायने हैं? हमारी जो जनसंख्या है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही मशहूर हस्ती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जॉन ड्रेज, जो कि एक जाने माने एक्टिविस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ऑथर हैं। जॉन, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। शुक्रिया जॉन। मेरा जो पहला सवाल है कि ये जो नीति आयोग का जो प्रपोजल आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि फूड सब्सिडी को कट डाउन किया जाएगा, उसका असर आप क्या देख रहे हैं एक ऐसी जनसंख्या पर, जहां पर ऑलरेडी भुखमरी इतने महीनों से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद जिस तरीके की स्टार्वेशन डेथ्स हमें दिखी, भुखमरी दिखी, हंगर दिखा, तो उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? नीलू, पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रस्ताव है ना उचित है ना संभव है। सबसे पहली बात यह है कि इस देश में जो जन वितरण प्रणाली है और अनाज का राशन है, ये एक कानूनी अधिकार है, ये लोगों का अधिकार है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो 213 का है, साफ कहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली का कवरेज 75% रहेगा और शहरी क्षेत्र में 50%। इसको कम करने का ना नीति आयोग का अधिकार है ना खाद्य मंत्रालय का अधिकार है। इसका अगर इसको कम करना है तो इस कानून का संशोधन करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता है कि यह बहुत आसानी से होगा। तो ये पहले बात है। दूसरी बात है कि इस समय इस देश में केंद्र सरकार और खास करके फूड कॉरपोरेशन का ऑफ इंडिया के भंडार में बहुत सारा अनाज है। इतना अनाज कभी नहीं हुआ पहले। जुलाई 2020 में फूड ग्रेन स्टॉक्स करीब 10 करोड़ टन पहुंचे, 100 मिलियन टन, जो इतना कभी पहले कभी नहीं हुआ था। एक 10 करोड़ टन का मतलब ये है करीब करीब एक एक परिवार के लिए 5 क्विंटल अनाज पड़ा हुआ है सरकार के पास। ये जुलाई 2020 की बात है। अभी जुलाई 2021 तक और बढ़ जाएगा। तो अभी वितरण कम करने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि लोग सरकार के पास जगह ही नहीं है इतना सारा अनाज रखने के लिए। एक्चुअली वितरण को बढ़ाना चाहिए। अभी प्रोक्योरमेंट जो खरीद है और डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें एक बड़ा इम्बैलेंस है। वितरण खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार करीब 60 मिलियन टन है, 6 करोड़ टन है एक साल में, और आज के समय में खरीद करीब 9 करोड़ टन, तो 3 करोड़ एक्सेस प्रोक्योरमेंट हो रहा है। ये मुझे लग रहा है कि एक बड़ा अन्याय है। अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको बांटना चाहिए। अगर केवल खरीद के रखेंगे भंडार में तो एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो अभी वितरण बढ़ाने का समय है, कम करने का समय नहीं। आपने जो कहा कि वितरण इस समय बढ़ाने का वक्त आ गया है, तो उस पर अभी थोड़ा सा देर में बात करूंगी, लेकिन ये जो नीति आयोग का जो प्रस्ताव है, नीति आयोग ने खुद कहा है कि इस पर अभी कोई सरकार ने फाइनलिटी नहीं दी है, लेकिन इस प्रस्ताव को सर्कुलेट करने की या डिस्कस करने के पीछे आपको सरकार की क्या मंशा नजर आती है? क्योंकि जिस तरीके से हमने पैंडेमिक में देखा, लॉकडाउन के बाद कितने लोग भूखे मर रहे थे, सड़क पर आ गए थे, उसके बावजूद सरकार इस प्रपोजल के बारे में कैसे सोच भी सकती है, इस चीज को देखकर थोड़ा ताजुब हो रहा है जॉन। ये देखिए, एक नई बात तो नहीं है। वो कई साल से केंद्र सरकार फूड सब्सिडी कम करने को सोच रहे हैं, और कई तरह के प्रस्ताव हुए हैं। अगर आप शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट देखें तो वहाँ सब्सिडी और कम करने का प्रस्ताव था, लेकिन इसका कोई फॉलोअप नहीं हुआ। तो वो सही है कि केंद्र सरकार कम से कम पैसे बचाने में लगे हुए हैं, फूड सब्सिडी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वितरण का कवरेज कम करने को सोच रहे हैं, नहीं तो इसका इश्यू प्राइस बढ़ाने को सोच रहे हैं, या नहीं तो अनाज के बदले में कैश बांटने का सोच रहे हैं। वो तो चलता रहता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे पास एक कानून है
अगर इस कानून को तोड़ेंगे, कवरेज कम करेंगे, तो कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है या कम से कम उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को सुरक्षित करेंगे। जॉन, जब ये खाद्य सुरक्षा कानून जब आया था तो इसमें आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका आपने निभाई थी 2013 में, जब फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, और अब जो ये चेंज, प्रपोजल चेंज की जो बात हो रही है उसमें 60-40 कवरेज की बात कही जा रही है, जो पहले 75 और 50 थी। तो इससे क्या होगा अगर मान लीजिए कि ये हो जाता है, तो इसमें क्या जो बेनिफिशरीज हैं, जिन लोगों को इसका फायदा पहुंच रहा था, उनमें क्या कमी आप देखेंगे, इसको कैसे समझा जाए? ये कवरेज कम करना इस कानून के संशोधन के बिना नहीं हो सकता है, लेकिन मान लीजिए अगर बाय चांस हो जाए तो मुझे लगता है कि इससे गरीबों को काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि अभी इस समय देखिए ये समझना जरूरी है कि इस समय आर्थिक संकट जारी है, गरीबों के लिए कम से कम जारी है, बेरोजगारी है, मजदूरी कम मिल रही है, और कई तरह के सर्वे से पता चल रहा है कि लोग परेशान है, भूख भी, कुपोषण भी है। तो इसके बीच में अगर वितरण कम किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि इसका गरीबों का क्या हालत होगा। 2020 में गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जन वितरण प्रणाली और नरेगा, जो रोजगार गारंटी कानून है, उसी से बच गए। जो रिलीफ मेजर्स, जो रिलीफ के प्रावधान लागू हो गए थे 2020 में, इनको कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि आर्थिक संकट अभी भी जारी है, लॉकडाउन भी गरीबों के लिए अभी भी है, अभी तक पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रहे, स्कूल बंद है, अभी कई जगहों में लॉकडाउन फिर से वापस आ रहे हैं, तो इस स्थिति में रिलीफ मेजर्स को कंटिन्यू करना चाहिए था, और ये न केवल लोगों के हित के लिए अच्छा होता, लेकिन आर्थिक व्यवस्था को रिवाइव करने के लिए भी अच्छा होता। इसके जगह में जो यूनियन बजट पिछले महीने में पेश किया गया है, उसमें इस तरह के रिलीफ मेजर्स बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और कई तरह के बजट कट्स भी दिख रहे हैं। लेकिन जॉन, सरकार कहती है कि अगर ये फूड सब्सिडी को कट डाउन किया जाएगा, तो उन्होंने एक आंकड़ा दिया है और कहा है कि इससे 47,229 करोड़ रुपए सरकार के बचेंगे। तो सरकार पैसे बचाने की बात यहां पर कर रही है कि सरकार के जो पैसे हैं, जो वेस्ट हो रहे हैं, वो बचेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या आप सरकार के इस तथ्य से कन्विंस्ड हैं? देखिए, मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाह रहा हूँ, अभी प्रोक्योरमेंट करीब 9 करोड़ टन हर साल में होता है, ये कहाँ जाएगा? आप फूड सब्सिडी कम करेंगे, जन वितरण प्रणाली का कवरेज कम करेंगे, तो इस अनाज का क्या होगा? इसको एक्सपोर्ट करना मुश्किल है, क्योंकि वर्ल्ड प्राइस कम है, एक्सपोर्ट अगर करना पड़ेगा तो आपको और बड़ा सब्सिडी लागू करना पड़ेगा, पब्लिक प्रोटेस्ट हो जाएगा, और होना भी चाहिए, तो इसका कोई विकल्प नहीं, इसको बांटना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, लोगों का सर्वाइवल की बात है। अभी आप जानते होंगे कि 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से पता चला कि पिछले 5 साल में कुपोषण में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसके ऊपर लॉकडाउन आ गया 2020 में, भूख और कुपोषण और बढ़ गया है। तो इस स्थिति के बीच में फूड सब्सिडी कम करने का सवाल नहीं उठना चाहिए, और जब आपके भंडार में इतना सारा अनाज है तो इसको बांटना तो चाहिए। आपको लगता है कि सरकार ने पैंडेमिक या लॉकडाउन से कोई सबक सीखा है? क्योंकि अगर इस तरीके का प्रस्ताव, उसके बारे में सरकार के महकमे में सोचा जा रहा है, तो इसका मतलब कि सरकार बहुत ही इनसेंसिटिव हो गई है। और जो मेरा सवाल आपसे पिन पॉइंटेड है कि क्या सरकार ने सबक सीखे हैं इस लॉकडाउन से, जो उन्होंने पिछले साल इम्पोज किया था, और ये जो महामारी आई है, इससे क्या सबक सीखा है सरकार ने? देखिए, सरकार का इनसेंसिटिविटी कोई नई बात नहीं है, मैं इसका एक ताजा उदाहरण दे रहा हूँ। आप शायद जानते होंगे कि इस साल का यूनियन बजट में बच्चों के जो पोषण के योजनाओं का जो पैसा है, बजट है, उसको कम किया गया है। मिड डे मील की बात करें या ICDS की बात करें, आप सोच लीजिए यूनियन बजट का टोटल अगर देखें तो 30 लाख करोड़ से 35,000-35 लाख करोड़ किया गया, मतलब करीब 15% बढ़ गया है जो टोटल बजट है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें ये सारी स्कीम्स आ रहे हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ICDS, आंगनवाड़ी कार्यक्रम, उनका बजट
20% कम किया गया है, 30,000 करोड़ की जगह में 24,000 करोड़ दिया जा रहा है इस साल में। तो बड़ा टोटल बजट बढ़ रहा है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का बजट कम किया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन देखें तो वो उसको उसका भी 6,000 करोड़ कम किया गया है, कम कर दिया गया है। और आप याद रखिए, ये पहली बार नहीं है कि बच्चों का बजट कम कर दिया गया है, ये दूसरी बार 2015-16 में, उस समय भी ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा पहला बजट था, उस समय भी बच्चों का बजट कम कर दिया गया था। इसका नतीजा क्या है कि 7 साल के अंदर अगर आप ICDS जो आंगनवाड़ी कार्यक्रम है या बच्चों का मिड डे मील कार्यक्रम है, दोनों का इन रियल टर्म्स मतलब महंगाई के हिसाब से इन रियल टर्म्स उनका बजट 40% कम कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको मिड डे मील प्रोवाइड करना है और 100 रुपया में से आपके पास 60 रुपया बचा है तो किस तरह का, किस क्वालिटी का मिड डे मील आप दे पाएंगे। तो इस तरह की तरह तरह के इंसेंसिटिविटीज है। इसका एक और उदाहरण ये है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार हर गर्भवती महिला को 6,000 रुपया का मातृत्व लाभ मिलना चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट 6,000 रुपीज पर चाइल्ड, हर महिला का एक अधिकार है, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो आप वितरण की बात कर रहे थे, हमने देखा है कि जो बहुत सारी सरकार की स्कीम्स हैं, अंत्योदय स्कीम्स हैं, मिड डे मील स्कीम्स का आपने जिक्र किया, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जहां तक ये स्कीम्स नहीं पहुंच पा रही हैं, उसका आपको कारण क्या लगता है? ये सही है कि इस तरह की स्कीम्स में कई बार चोरी होती है या अनियमितताएं होती है, वो तो हर स्कीम की बात है, बट फिर भी मुझे लगता है कि पिछले कुछ 10-15 साल में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जैसे आप जन वितरण प्रणाली की बात करें, मैं अभी यहाँ झारखंड में बैठा हूँ, 10 साल पहले उनको लगता है कि अनाज करीब करीब 70-80% अनाज काला बाजार में बेचा जाता था, अब लोगों को लगभग अपना राशन मिल तो रहा है। पूरा शहर नहीं, मान लीजिए अगर एक परिवार का 25 किलो हर महीने का राशन कार्ड है तो उसमें से कुछ लोग 23-24 कभी कभी 25 भी किलो मिल रहा है, तो कटौती अभी भी है। लेकिन जिस तरह का होलसेल एम्बेजलमेंट पहले हो रहा था अभी नहीं दिख रहा है, तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन भी हो सकते हैं। आप मिड डे मील की बात करें तो उनका गुणवत्ता भी काफ़ी सुधार हुआ है, कई राज्यों में अभी अंडा दिया जा रहा है जिससे बच्चों का पोषण काफ़ी ठीक हो सकती है। हमको लगता है कि ओवरऑल या पेंशन की बात कर रहे हैं, इन सारे स्कीम्स में काफ़ी परिवर्तन लाया गया है और परिवर्तन लाया जा सकता है। तो अभी भी चोरी है, तो इससे इन योजनाओं को बंद करने का कोई बहाना नहीं बनता। लेकिन जॉन, जो मेरा सवाल है कि इतनी सारी स्कीम्स हैं, चाहे वो मिड डे मील स्कीम्स हों, चाहे अंत्योदय स्कीम्स हों, बहुत सारी स्कीम्स सरकार लेकर आई है, लेकिन अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, जो अभी लेटेस्ट 2020 अक्टूबर में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 97 out of 107 है, जो कि बहुत ही सीरियस कैटेगरी में आता है। तो सरकार की तरफ से कमी कहाँ पर है जॉन? देखिए, ये केवल सरकार की कमी नहीं है, ये समाज की कमी भी है। सरकार की तो बड़ी जिम्मेदारी है। कुपोषण की बात करें तो इसके कई कारण होते हैं, केवल अनाज की बात नहीं है। अनाज तो सबसे पहला कदम है, अगर घर में अनाज नहीं है तो पोषण नहीं हो सकता है। इसलिए जन वितरण प्रणाली बहुत जरूरी है। जन वितरण प्रणाली से हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम लोग भूखे ना रहें और घर में अनाज हो, लेकिन पोषण के लिए और कई चीज़ें चाहिए। स्वास्थ्य का सुविधा चाहिए, साफ पानी का सुविधा चाहिए, पोषित खाना, न के अनाज केवल नहीं लेकिन पोषित खाना की जरूरत है, और कई चीज़ें जैसे महिलाओं का एम्पावरमेंट, जिसे महिलाएं अपना निर्णय ले सकें, स्वतंत्र रह सकें, अपने बच्चों का देखभाल कर सकें, और इन सारे चीज़ों में भारत के बहुत बड़े कमियां हैं। आप हेल्थ केयर का सिस्टम देखें या जेंडर इंडिकेटर्स देखें या सैनिटेशन की बात करें, तो उन सारे चीज़ों में भारत बहुत पीछे रह गया है। अभी थोड़ा सा 10-15 साल से थोड़ा सा परिवर्तन दिखने लगा है, लेकिन इसको और तेज करने की बहुत जरूरत है।
ये जो नीति आयोग का जो प्रस्ताव हम जिसकी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि जब अभी ये अगला सेंसस होगा 2021 का, तो उसमें जब नई तरीके से जब सेंसस शुरू होगा उसके हिसाब से वो देखेंगे कि कितने बेनिफिशरीज होंगे कितने नहीं होंगे। और आपने खुद ही कहा कि ये जो नया प्रपोजल है ये तभी आ सकता है जब आप फूड सिक्योरिटी एक्ट में बदलाव करेंगे। तो इसको लेकर जो पॉलिटिक्स हो सकती है या होगी, उसको लेकर आपका क्या अंदेशा है कि क्या विपक्षी पार्टीज इसको जमकर इसका विरोध करेंगी? मैंने देखा सीपीआईएम के जो नेता हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने ऑलरेडी अपोज किया है और उन्होंने कहा है कि इससे भुखमरी बढ़ सकती है। तो आपको लग रहा है कि सरकार के लिए ये जो राह है पूरी इतनी आसान होगी कि इस कानून को बदला जाए? पीडीएस का कवरेज कम करने के लिए इस कानून का संशोधन करना बहुत आसान नहीं होगा, हमको लगता है कि काफ़ी मुश्किल होगा। इसका विरोध न केवल राजनीतिक नेता लोग करेंगे लेकिन पूरा पब्लिक भी करेगा। आप समझ सकते हैं कि अगर बड़ा संख्या में लोगों का राशन कार्ड काटने लगेंगे तो इनका रिएक्शन क्या होगा, आप समझ सकते हैं। आपको लग रहा है कि अगर मोदी सरकार ने कुछ ऐसा किया तो हो सकता है कि बीजेपी की सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं इससे? बिल्कुल, अभी भी मुश्किल हो रही है फार्मर्स प्रोटेस्ट से, तो इससे और ज्यादा मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि अगर सच कहें तो केंद्र सरकार फूड सब्सिडी कम करने के लिए शायद कवरेज कम नहीं करेंगे लेकिन कैश लाने की कोशिश करेंगे और इश्यू प्राइस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमको लगता है कि एक समय आएगा शायद जब लोग, जब कुपोषण नहीं होगा, खाद्य असुरक्षा नहीं होगा और लोग अपना बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल आसानी से करते रहेंगे, तो शायद इस तरह का समय आएगा जब लोगों को कैश, लोगों के लिए कैश भी उचित होगा। लेकिन ये दूर की बात है, मेरे समझ में मतलब कम से कम 10-20-25 साल तक हमको लगता है कि जनवितरण प्रणाली की जरूरत रहेगी। लेकिन केंद्र सरकार शायद जल्दी से जल्दी कैश लाने की कोशिश करेंगे और हमको लगता है कि इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन अगर जॉन जैसा बोल रहे हैं कि अगर यूनिवर्सली कैश बेनिफिट ट्रांसफर सबको दिए जाएंगे, तो आपको लग रहा है कि फिर फूड सब्सिडी को अल्टीमेटली सरकार फेज आउट कर सकती है? लॉन्ग टर्म की बात करें हमको लगता है कि हो सकती है। खाद्य सुरक्षा कानून में ही इस तरह का प्रावधान है, मतलब अनाज के जगह में कैश देना मना नहीं है, तो okay. इस संशोधन के बिना भी इस तरह का ट्रांजिशन हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। और आप याद रखिए कि चंडीगढ़ और पौंडीचेरी जैसे जगहों में कोशिश किया गया है और बड़ा फेलियर हुआ है, जबकि वहाँ सबसे फेवरेबल एनवायरनमेंट है, वहाँ कंपैरेटिवली वेल ऑफ इकोनॉमिक हाउसहोल्ड रहते हैं, उनके पास बैंक अकाउंट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वहाँ कैश ट्रांसफर्स सफल नहीं हुए और लोगों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको अनाज ही चाहिए। तो अगर चंडीगढ़ में अभी तक इस तरह का तैयारी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में अगर अनाज के बदले में कैश लिया जाएगा तो क्या होगा। ओके जॉन, आप खेती किसानी से भी जुड़े हुए हैं, खाद्य सुरक्षा पर आपने काम किया है, इतने समय से किसानों का जो ये आंदोलन चल रहा है, अगर एक बहुत ही संक्षेप में आपसे एक रिएक्शन लूं कि जो ये किसानों की जो डिमांड है, चाहे वो अनाज को लेकर हो और एमएसपी को लेकर हो, ये कितनी वाजिब आपको लग रही है? क्योंकि सरकार का ये कहना है कि वो इसको कॉर्पोरेटाइज करना चाह रही है और किसानों के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस लेकर आ रही है, तो इस समय सही कौन है, आपसे समझना चाहती हूँ, किसान सही है या सरकार? देखिए, सरकार ये नहीं कह रहे कि हम कॉर्पोरेटाइज करना चाह रहे हैं, करना तो चाह रहे हैं लेकिन कहते नहीं है, कहते हैं कि हम किसानों के हित के लिए ये कानून ला रहे हैं। लेकिन अगर किसान लोग खुद इनको मना, इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो जबरदस्ती से क्यों इन कानून को एनफोर्स करें? फार्मर्स आर बेस्ट जजेस ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। अगर सरकार कह रहे हैं कि फार्मर्स के हित के लिए हम ला रहे हैं लेकिन फार्मर्स खुद कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, सो व्हाई शुड इट बी इम्पोज्ड ऑन देम? आई डोंट सी द लॉजिक ऑफ दैट। और दूसरा, तीनों कानून का अध्ययन मैंने नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा जो मार्केटिंग वाला जो कानून है जिसको APMC बाईपास एक्ट कहते हैं, थोड़ा उसको समझने की कोशिश किया हूँ और मुझे लगता है कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। ये सीधा कॉर्पोरेट प्रॉफिट को प्रमोट करने का कानून है, इसमें एक ड्यूअल मार्केटिंग सिस्टम चालू करने का प्रयास है जिसमें एक तरफ APMC रहेगा,
जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, और दूसरी तरफ एक सो कॉल्ड ट्रेड एरिया रहेगा जो केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहेगा. तो दिस इज नॉट अ लॉजिकल अरेंजमेंट. इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिविजन ऑफ responsibilities between the state and the central government. It is not going to help the farmers, particularly APMCs. इससे परेशान होंगे, खत्म भी शायद होंगे. तो इसमें मुझे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है. तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा है कि केंद्र सरकार माने कि हमने गलती किया है, इन कानूनों को वापस लाएं, एंड देन उसके बाद MSP और प्रोक्योरमेंट पर एक विस्तार डिबेट हो, क्योंकि ये कोई आसान मुद्दा नहीं है. इस पर चर्चा होना जरूरी है, सोचना जरूरी है. इसमें केवल किसानों का हित की बात है, लेकिन कंज्यूमर्स को भी सोचना चाहिए. फाइनेंशियल एप्लीकेशंस देखना पड़ेगा. इस पर मुझे लगता है कि दैट शुड नॉट बी जस्ट अ पॉलिटिकल बैटल, इट शुड बी अ मैटर ऑफ डिटेल पब्लिक डिबेट. लेकिन जॉन, जो अभी तक ये पूरी बैटल जो दिख रही है बिटवीन द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये सरकार की ईगो यहाँ पर आकर अड़ गई है कि नहीं, अब हम ये तीनों कानून को वापस लेंगे ही नहीं. किसान चाहे जितने दिन बैठकर विरोध करना चाहे वो कर सकते हैं. तो ये जो पूरा मसला है, ये किधर आप जाता हुआ देख रहे हैं? क्या किसान जबरन सरकार को अपनी बात मनवा लेंगे, या सरकार भी अड़ी रहेगी कि ठीक है आप जाओ विरोध करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? किधर जाता हुआ देख रहे हैं आप ये किसान आंदोलन? किसी ने कहा कि God has created economists to make astrologers look good. तो मैं इस तरह का prediction नहीं करूँगा. क्या होगा ये कहना आसान नहीं है. इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा ईगो की बात हो रही है. ये सरकार ईगो के कारण इन कानूनों को वापस लेना नहीं चाह रहे. और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में ईगो का कोई फायदा नहीं है. जो पॉलिटिशियन है इनको अपना इंटरेस्ट को सोचना चाहिए. ईगो केवल ईगो में फंसेंगे तो इट्स नॉट इन देयर ओन इंटरेस्ट. सो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड बी थिंकिंग. भी एक एक्टिविस्ट हैं और आपको लग रहा है कि इस समय एक्टिविज्म करना आज की मौजूदा सरकार में बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि खुद मोदी जी ने कहा है कि जो एक्टिविस्ट हैं और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आंदोलनजीवी हैं. उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था एक्टिविस्ट के लिए. तो आपसे एक छोटा सा रिएक्शन चाहती हूँ उस पर. देखिए, आंदोलनजीवी सब लोग हैं. हमको लगता है कि एक्टिविस्ट इज नॉट द प्रोफेशन. Activist is the activity of a citizen who cares not only about himself or herself, but about society and the country and the marginalized people. So it is not a profession. ये हर नागरिक का duty है. और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए या गरीबों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं. और मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को आंदोलनजीवी को नहीं करना चाहिए. इनका समर्थन और इनका स्वागत करना चाहिए. लेकिन आप देखिए ना कि प्रोटेस्ट करना, फ्रीली कोई भी चीज एक्सप्रेस करना, ऐसा लग रहा है कि मौजूदा सरकार में बहुत मुश्किल है. अगर आप कोई ट्वीट लिखते हैं तो आपको जेल हो जाती है. आप कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपके खिलाफ FIR हो जाता है. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. क्या कहेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर, कि क्या वाकई में ये इमरजेंसी है? इमरजेंसी विद अ डिफरेंस. हाउ विल यू लुक एट इट? नहीं, एक तरह के साइलेंट इमरजेंसी है. आप सही कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने की पूरी कोशिश हो रही है. और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म होगी तो लोकतंत्र भी खत्म होगी. लोकतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना नहीं हो सकती है. और न केवल जेल की बात है, FIR की बात है, जेल भेजने की बात है. उसके साथ कई तरह के टैक्टिक्स होते हैं, जैसे कि मीडिया को छुपाने के लिए उनका विज्ञापन विड्रॉ किया जा रहा है, या कोई राजनीतिक नेता आवाज उठाते हैं तो उनका इनकम टैक्स जांच. तरह तरह के टैक्टिक्स लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म करने की कोशिश हो रही है. लेकिन मुझे विश्वास है, या कम से कम पूरी उम्मीद है, कि ये सफल नहीं होगा. क्योंकि लोग, बोलने वाले लोग अभी भी बहुत हैं. और आप देखे हैं कि कितने लोग जेल भेजे गए हैं. मेरे भी कई दोस्त जेल भेजे गए हैं, जैसे फादर स्टैन स्वामी जो 80 साल के से ऊपर का उम्र का व्यक्ति है, जो बहुत मीठा बहुत अच्छा आदमी है, फिर भी उनको जेल भेजा गया. तो तरह तरह के लोगों को भेजा गया है. लेकिन अभी भी लोग बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाखों रख रहे हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत के लोग नहीं डरेंगे और आवाज उठाते रहेंगे.
जॉन आपके ऊपर भी कभी कोई ऐसा दबाव आया? मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आप भी एक एक्टिविस्ट हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, आपने कभी ये दबाव खुद से कहीं महसूस किया कि सरकार आप पर दबाव डाल रही है? सीरियस दबाव ऐसे नहीं हुआ, लेकिन इधर उधर कभी कभी परेशान किया गया है। जैसे एक बार रांची के एक पब्लिक मीटिंग में मुझे बोलने को रखा गया है, एक बार गढ़वा जिले में डिटेन किया गया था जब हम लोग एक पब्लिक मीटिंग चुनाव के दौरान करने की कोशिश करे। तो इस तरह के छोटे 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 हरासमेंट तो है, लेकिन इस तरह का दबाव नहीं हुआ जिससे मैं रुक गया। तो आपको क्या उम्मीद लग रही है कि ये लोकतंत्र रहेगा या खत्म हो जाएगा, जिस जो जो कि बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि देखिए अभी फ्रीडम हाउस की जो रिपोर्ट आई थी, यूएस फ्रीडम हाउस की, उसमें भारत की जो छवि है वो फ्री नेशंस में अब नहीं है, पार्शली फ्री कंट्री में आता है उस जो कैटेगरी है उसकी, तो क्या कहेगी लोकतंत्र के बारे में? देखिए कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि अगले साल तक इमरजेंसी लगेगी, हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन होगा जिसमें लाइफ टाइम प्रेसिडेंट किसी को बनाएंगे, बट देखिए पॉलिटिक्स में बहुत अनप्रडिक्टेबिलिटी है, बहुत जल्दी से बड़ा चेंज आ सकता है, तो इसलिए हमको उम्मीद रखना चाहिए कि 2024 तक दूसरा माहौल बनेगा और जिस तरह का ट्रेंड अभी दिख रहा है खत्म हो जाएगा, और इसके लिए हमको काम करना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। बस लास्ट के दो सवाल है जो आपसे इकोनॉमी के बारे में पूछना चाहूंगी कि बजट में बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए गए लेकिन बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जॉब्स वर लॉस्ट ड्यूरिंग द पैंडेमिक ईरा, चाहे वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में हो, चाहे सैलरी क्लास हो, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं। आज क्या सरकार वाकई में लोगों को नौकरी दिलाने में आपको सफल नजर आ रही है? क्योंकि वो कहती है कि देखिए अब सारी नौकरी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलेंगी और जितने भी उन्होंने ओवरलेज किए हैं बजट में उसके जरिए सबको नौकरियां मिलेंगी, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, टूरिज्म हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सीमेंट स्टील, सबको उन्होंने गिनवा दिया कि सबकी नौकरियां उससे आएंगी, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए हर संकट के दौरान जो पावरफुल इंटरेस्ट है, जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, उसका उस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करें। इस समय क्योंकि इस तरह का आर्थिक संकट में स्टिमुलस की बात हो रही है, वी हैव टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, तो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट क्या चाह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो जाए या लोन्स का को माफ करें, क्योंकि उनको इससे ही फायदा हो रहा है। एक्चुअली ऑब्जेक्टिवली इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमको लगता है कि इससे अच्छा है कि गरीब लोगों के हाथ में रोजगार और पैसे मिले। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, इट्स नॉट चैरिटी। आप लोगों को रोजगार देंगे या कैश ट्रांसफर करेंगे, उनका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, इससे डिमांड बढ़ेगी, इससे इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी, तो इट विल सर्व द ड्यूअल पर्पस। एक तरफ इससे आर्थिक स्टिमुलस होगा और दूसरा गरीब लोग गरीबी से और बेरोजगारी से और भूख से बच जाएंगे। हमेशा कुछ ना कुछ नया योजना शुरू किया जा रहा है गरीबों के लिए, कभी कभी कोई रोजगार का योजना या कोई वेलफेयर का योजना, पेंशन, कुछ भी। इस बजट आज की इस साल के बजट में इस तरह का कोई भी पहल नहीं दिख रही। लेकिन आपको जो विपक्षी पार्टीज इस तरीके का जो आरोप लगाती हैं कि जो बीजेपी की सरकार है वो ऐसा लग रहा है कि पूरी कॉर्पोरेट लॉबी के लिए काम करती है, और एक आंकड़ा भी है कि 2015 और 16 में और 2018 और 19 में उन्होंने कितने करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए कैपिटलिस्ट के और जो जो कॉर्पोरेट लॉबीज थी, और यहाँ पर फूड सब्सिडी को कम करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक विरोधाभास दिखता है कि कॉर्पोरेट्स के लोन्स आप राइट ऑफ करोगे लेकिन जो लोग भूखे मर रहे हैं उनके लिए आप फूड सब्सिडी कम करने के लिए तैयार हो, तो ये कैसी सरकार का संकेत है? नहीं, आप सही कर रहे हैं। हमको लगता है कि पिछले 6 साल से केंद्र सरकार का सामाजिक सुरक्षा में कोई खास रुचि नहीं दिख रही है। नरेगा की बात कर रहे हैं या फूड सब्सिडी की बात कर रहे हैं, पेंशन्स भी 12 साल से नहीं बढ़ाया गया है, जो बुजुर्ग और विधवा और विकलांग लोगों का जो पेंशन है
अभी तक केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन केवल 200 रुपया पर मंथ है, जो कुछ भी नहीं है। इन सारे चीजों में केंद्र सरकार का कोई रुचि नहीं दिख रही है। मोदी बिलीव्स इन बिजनेस, इस सरकार का पूरा जो आर्थिक नीति है वो बिजनेस आधारित है, तो ये तो फैक्ट है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अपने आप कोई पहल करेंगे तो ये मुश्किल है, हमको अपना अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। और टू बी फेयर अभी तक फूड सब्सिडी हैज नॉट बीन रिड्यूस्ड, अभी इसकी चर्चा हो रही है, बट अभी तक फूड सब्सिडी है और हमको लगता है कि क्योंकि कानूनी अधिकार है तो रहेगा। तो इस तरह के कानूनी अधिकार की जरूरत है और इस तरह के कानूनी अधिकार को सुरक्षित करने का संघर्ष होना चाहिए। But we should not wait for the goodwill of the central government because there is no sign of it. थैंक यू सो मच जॉनरेज, आपने हमारे साथ बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी व्यूअर्स से गुजारिश है कि आपका मुझे फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बताइएगा आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, और गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच जॉनरेज फॉर स्पीकिंग टू अस, बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।